देखा मित्रों, उन्नीस पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं उनको सभी को सजा देने का काम यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखा मित्रों, उन्नीस पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं उनको सभी को सजा देने का काम यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है, इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी की गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए एडीजीपी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।